ये पूरा वेज कैफे है। तो बताया था यहाँ पर प्राइवेट रूम भी अवेलेबल है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है, केक भी आप केक आपके तरफ से आता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं उसी आप देख रहे फ्लाइंग सभी, ये क्या देख रहे, ये भी यहाँ अवेलेबल है। आज का ब्लॉग धमाकेदार होने वाला है। आज आ चुके हैं आप लोगों के लिए आसनसोल से लेकर के पांडेश्वर, रानीगंज, चामुड़िया, दुर्गापुर, अंडाल, इतना सारा लोकेशन को ये सेंटर कवर करता है। एकदम सही सुने, आज आ चुका हूँ मैं लोका कैफे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एम्बियंस अभी आपको जस्ट देखने को मिलेगा सिनेमेटिक में। यहाँ पर आकर के आप लोग गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, उसके साथ में शीशा का तो मैं दिखा दिया वो भी अवेलेबल है, और साथ में यहाँ का फूड का रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये रहा एम्बियंस। Would you let me go? No, you never come back. I'ma be the best that you never, never had. I'ma kick back when you fake like that. Head out of the game, I don't play that fact. Would you let me go? No, you never come back. I'ma be the best that you never, never had. Ain't nothing in this world that's stopping me. 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 कैफे का एमबीएस में जबरदस्त सेल्फी भी आप लोग क्लिक करवा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इस कैफे में। यहाँ पर आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाता है जहाँ पर आप लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और इस कैफे में आप लोग कॉर्पोरेट मीटिंग भी कर सकते हैं। सो गाइस, फैसिलिटी सुन के तो आप लोग पगला गए होंगे। तो इसके साथ में चलिए कुछ ऑर्डर किया हूँ मैं खाना, आता है तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। If you say jump, I say let's fly so high. So guys, आ चुका अपना फूड। यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा आइटम है, एंड इसके साथ में मैं नाम भूल जा रहा हूँ, तो नाम बताने के लिए आ चुके हैं शेफ। हेलो, क्या नाम हो गया आपका? सुरजीत दास। सुरजीत दास, एंड इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किए, मेरे को नाम बता दीजिए सबका। ये आपका वेज लोडेड पिज्ज़ा है सर। वेज लोडेड पिज्ज़ा, दिस इज ग्रिल्ड चीज़ कॉर्न सैंडविच, ओके, थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस्टिनीस, ओके, मशरूम, स्पिनच, टमाटो बेसिन, ओके, और ये रैवियोली पास्ता है, पेने पास्ता विद अच्छा अरबिता सॉस। और ये आपका डिमसम है सर, दार्जिलिंग डिमसम, ओके, और ब्लैकबेरी मोजिटो, कैनबेरी सानगड़ाई, और ओरियो शेक। ओरियो शेक, तो प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छा है, आप खा के देखते फिर आपसे मिलते देखते कैसा टेस्ट है। थैंक यू। तो गाइस, नाम तो सुन ही चुके हैं, कितना सारा आइटम है, कितना सारा अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया है, तो देख के तो मुंह में पानी आ गया है। आप लोग भी आइए लोचा कैफे, इसका पूरा डिटेल मिलने वाला, तो वीडियो बने एंड तक। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया है, इसको देखिए लग रहा ना मेडिकल, ऐसे करिए ये आ जाएगा। तो सही में लिटरली बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ऑसम किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए ये ट्राई करते हैं, इसके अंदर का स्टफिंग पहले देख लेते क्या किया गया। ये देखिए पूरा वेज का स्टफिंग है, वेजिटेबल से। और एक बात था बताना भूल गया था मैं, ये पूरा वेज कैफे है। तो चलिए ट्राई करते हैं, इसका स्पाइसी सॉसेस भी दिया गया। स्पाइसी का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है, टेस्ट वाइज बोलूँ तो ऑसम लगा मेरे को ये भी। सबका प्राइस आपको वीडियो का एंड पे मिलने वाला है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ का मेनू कार्ड भी मिल जाएगा। चलिए इसको साइड करते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। यहाँ पर अपना मॉकटेल सर्व है, शेक है, ये ओरियो शेक, ये देखिए मेल्ट हो चुका है। तो आप इतना सारा सिनेमेटिक ले रहा हूँ, ऐसा हो जा रहा है क्या बताऊँ। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। इसके साथ में चले मैं ये ट्राई करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी यूनिक प्लेटिंग वगैरह भी है, और काफ़ी देखने में सुंदर भी लग रहा है। प्रेजेंटेशन गाइस बोलूँ तो यहाँ पर 10 ऑफ 10 में दूंगा सभी आइटम को, क्योंकि
ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया। तो ये देख सकते हैं, वाह, इसमें कॉर्न वगैरह भी दिया गया, बेबी कॉर्न वगैरह, तो काफ़ी, हाँ, इसका स्मेल जो आ रहा है ना गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, मुंह पे पानी आ जाएगा आप लोगों का। ट्राई करते हैं। वाह, मज़ा आ गया। आसन से तो थोड़ा हट के टेस्ट, दुर्गापुर में भी खाया हूँ, हर जगह पे खाया हूँ, लेकिन इस जगह का टेस्ट जैसा कहीं नहीं मिला मेरे को। प्रेजेंटेशन वाइज बोलूँ, टेस्ट वाइज बोलूँ, मेरे को अभी दो आइटम मैं ट्राई किया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ में देख सकते हैं ये, वाह, काफ़ी देर से रखा हुआ था, उतना देर के बाद भी इसका क्रंची जो है, क्रंची अभी भी है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये मशरूम का, देखिए स्टफिंग वगैरह काफ़ी अच्छा तरीका से किया गया, मशरूम का स्टफिंग। वह इसका टेस्ट बताऊँ, काफ़ी ऑसम लगा। उसके साथ में यहाँ देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सब, प्रेजेंटेशन वाइज बोलूँ तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसको रील बना रहा था, एक बाइट लिया हूँ, इसी को करके दिखाता हूँ। स्टफिंग वगैरह अगर बताऊँ इसका, चलिए आपको नया दिखाता हूँ, इसका दिखाता हूँ, स्टफिंग वगैरह आपको दिखाऊँ, तो ये देख सकते हैं। OMG, थ्री लेयर का आपको ये मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा। ट्राई करते हैं भाई, मैं तो फैन हो गया। आसनसोल, जामोड़िया, पांडेश्वर, रानीगंज, दुर्गापुर, अंडाल, ये सब जगह पे मैं ट्राई किया हूँ, काफ़ी सारा आइटम फूड ब्लॉग्स में बनाया हूँ, लेकिन गाइस यहाँ का जो फूड का टेस्ट लग रहा है मेरे को एकदम यूनिक, यूनिक फूड भी है, प्राइस वगैरह भी बोलूँ काफ़ी लो है, आपको जानने को मिलेगा एंड पे। उसके साथ मैं प्रेजेंटेशन बोलूँ, टेस्ट वाइज बोलूँ, काफ़ी ऑसम लग रहा है, वो भी इस तरीके का एम्बियंस पर बैठ के। सोचिए यहाँ पर आप लोग बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, रूम तो मैं आपको प्राइवेट रूम भी दिखा दिया हूँ, यहाँ पर कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके का काफ़ी सारा फैसिलिटी है, प्लस एसी कैफे है। पिज़्ज़ा ट्राई करता हूँ, पिज़्ज़ा तो मेरे सभी का फेवरेट, मेरा भी। वाह, जबरदस्त। इसके साथ में ये भी मैं भूल गया, देख सकते टोमेटो का, देखिए कितना छोटा छोटा बाइट है टोमेटो का। हर एक का प्रेजेंटेशन ऑसम किया गया। खाना का टेस्ट बोलो ऑसम है, हाइजीन पूरा मेंटेन है, टेस्ट बोलो ना, टेस्ट मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा। यहाँ का इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, क्या क्या बताऊँ, सभी का टेस्ट मेरे को ऑसम लगा। इसके साथ में देख सकते हैं मेल्ट हो रहा है ओरियो शेक, ट्राई करते हैं। ओह, क्या शेक है गाइस, लिटरली मतलब मज़ा आ गया। चैलेंज कर रहा हूँ गाइस, इस जगह पे विजिट करिए, ये ट्राई करके देखिए, मेरा मॉकटेल। क्या फ्लेवर आ रहा मॉकटेल का गाइस, कमाल का है, कमाल का। ये सबको ख़त्म ही करना पड़ेगा। टेस्ट बता ना गाइस, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, इससे डबल भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ। टेस्ट काफ़ी ऑसम लगा मेरे को, काफ़ी ऑसम। चलिए ये सब खत्म करते हैं। सो गाइस, चलिए यहाँ का रिव्यू लेते हैं कस्टमर से। हेलो, हाय, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अनुप्रिया। ओके, एंड यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? यहाँ पर मैं बहुत पहले भी आ चुकी हूँ और अभी भी आती हूँ। अच्छा, और फूड का टेस्ट ये सब कैसा लगा? फूड का टेस्ट तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और प्राइस भी बहुत कम है। प्राइस भी
मतलब आप रिकमेंडेड करिएगा पब्लिक को। हाँ ज़रूर, यहाँ पे आइए और आके फूड का टेस्ट भी चेक कीजिए आप लोग भी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत ही क्वेश्चन रहता है सभी का, यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर, सबका बिहेवियर कैसा लगा? नहीं, यहाँ पे स्टाफ बहुत ही एक्टिव है, यहाँ पे बहुत अच्छे है, सबका बिहेवियर भी अच्छा है, सब कोई बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है फूड का। थैंक यू। सो गाइस, इतना अच्छा खाना खाने के बाद यहाँ के ऑनर से मिलना तो बनता है, क्योंकि ऐसा खाना, ऐसा प्रेजेंटेशन कहीं मेरे को नहीं मिला। तो आ चुके ऑनर के पास। हेलो, हाय हाय, आपका ये जो मैं फूड ट्राई किया, जो एम्बियंस देखा हूँ, ये पूरा आसनसोल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, आसनसोल जामुड़िया, मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे यहाँ पर एक कैफ़े खुला है, कैफ़े खुला है, इसके पास जाओ जाओ जाओ। तो गाइस एक बार बता देता हूँ, ये जो कैफ़े है आपका एकदम सेंटर में पड़ता है, आसनसोल जामुड़िया रानीगंज, उसके बाद ये यहाँ का आपको पड़ेगा, लोकेशन भैया बताएंगे, उसके साथ में दुर्गापुर का तरफ से आते तो दुर्गापुर अंडाल, मतलब ये एकदम सेंटर में पड़ता है, यहाँ तक कि आप पांडेश्वर से भी आते हैं ना तो भी सेंटर में पड़ेगा, एकदम नज़दीक पड़ता है आपको। तो चलिए आप यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, आप पहले अपने बारे में बताइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा एमबीएस में इतना सा प्रेजेंटेशन खाना का इम्पॉसिबल है। थैंक्स प्रकाश भाई, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि एम्बियंस का जो आपने तारीफ़ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को। सेंटर में पड़ता है, ये बात सही है एकदम, कि अगर आप दुर्गापुर से आते हो या रानीगंज से आते हो तो ये काफ़ी बीच का सेंटर पड़ता है। और अभी इस जोन में कैफ़े नहीं है जो अपना चल रहा है, जो आसनसोल और दुर्गापुर में चल रहा है, बट हमारे जो लोकल कम्युनिटी है जो रानीगंज के थे, जामुड़िया के, उनको काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता था, बट हम लोगों ने थोड़ा सा ट्राई किया कि यहाँ पर कुछ फूडिंग्स अच्छा सा प्रोवाइड कर सकूँ और थोड़ा एम्बियंस के साथ कुछ कस्टमर्स का अट्रैक्ट करके अपने अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, ये हमारे साइड से है। काफ़ी अच्छा है। एंड ये अब कब ओपन, कब हुआ? इसको ओपन हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, 14 अप्रैल को ये ओपन हुआ था, या 14 अप्रैल को ये ओपन हुआ था, आज 3 महीने उनको लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको 3 महीने में अभी तक फूड का टेस्ट बरकरार रखे, मज़ा आ गया, क्योंकि आपका फूड का टेस्ट ऑसम है। एंड जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, मतलब क्या यूनिक आपको आइडिया है कि कुछ यूनिक हट के, मतलब आसनसोल दुर्गापुर इस सब जगह से हट के कुछ फूड प्रेजेंटेशन देना चाहिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, इतना अच्छा ज़बरदस्त? एक्चुअली मैंने फूड खुद ट्राई किया काफ़ी जगह का पहले, तो मुझे फूड्स काफ़ी जगह की क्वालिटी अच्छी है, बात नहीं है, बट वो प्रेजेंटेशन नहीं आ पाता है हमारे इस लोकल एरिया में, वो प्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैंने उस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा फोकस करते हुए प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया, फूड्स क्वालिटी 3 महीने से कंटिन्यू, मैं पर्सनली सबसे खड़ा होकर फीडबैक लेता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, मैं पर्सनली हर एक बंदे से मिलता हूँ और फीडबैक लेता हूँ कि आपका सर्विस है, और ये नहीं है कि आज लिया तो मैंने कल नहीं लिया, मैंने आज लिया तो मैं कल भी लूँगा फीडबैक, कि जिससे मेरे को पता चलता रहे कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूँ। एंड यहाँ के बारे में थोड़ा सा मैं व्यूअर्स को बताया था, यहाँ पर प्राइवेट रूम भी अवेलेबल है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है, केक भी आप, केक आपका तरफ से आता है, तो प्राइस वगैरह आपको जानने के लिए गए थे, आप विजिट करना पड़ेगा, बहुत ही लो प्राइस है, तो प्राइस वगैरह रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि ना हमारे व्यूअर्स है प्राइस सुनेंगे आधा अधूरा सुन के वीडियो छोड़ के चल जाते हैं, इसे जो बने रहिए पूरा। आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना इधर आइए, कॉल आपको डिस्प्ले पर नंबर तो फ्लैश कर ही रहा, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटी, जैसे कि बर्थडे पार्टी वगैरह और क्या क्या हो गया यहाँ पर? हमारे यहाँ बर्थडे फैसिलिटीज़ हो सकता है, कॉर्पोरेट्स मीटिंग्स हो रहे हैं तो कॉर्पोरेट्स मीटिंग्स हमारे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और सपोज़ किटी पार्टीज़ हो गया, किटीज़ पार्टीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑलरेडी हमारे को ऑर्डर्स मिल रहे हैं किटीज़ पार्टीज़ के लिए से, तो मैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा हाइक करना चाहता हूँ। और जैसे फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो हमारे फ्रेंडशिप डे पे नए नए ऑफर्स आते रहते हैं, तो आप आओ विज़िट करो देखो, अगर आपको सब चीज़ बेटर लगता है तो आप हमसे जुड़ो, हम आपको आगे तक लेके चलेंगे, आप हमें आगे तक लेके चलेंगे, हम आपको आगे तक लेके चलेंगे, फूड का क्वालिटी ख़राब नहीं होगा ये हमारे तरफ से इंश्योरेंस रहेगा, बाकी आप लोग के ऊपर है। थैंक यू, एकदम सही बोले। उसके साथ में गाइस पूजा भी आ रहा था, ये जो एरिया है, ये एरिया पे समझ लीजिए आप लोग कहीं पर दूर दूर तक आपको कोई कैफ़े कोई रेस्टोरेंट कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सेंटर पे खुला है, जो कि बहुत अच्छा बात है। पूजा में तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमने निकलते हैं, जगह जगह देखते हैं कि खाने का है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा रेस्टोरेंट कैफ़े दूर दूर पड़ जाता है, लेकिन आप जो इस लोकेशन में खोले हैं काफ़ी हाई रेट लोकेशन है, एक बार लोकेशन बता दीजिएगा। ये प्रॉपर हाईवे के ऊपर है, अगर आप बासरा मोड़ में जानते हो कि फेमस था लिट्टी वाला, उसके जस्ट अपोजिट में है ये, हमारे बगल में चाय मीनिया एक स्टोर है वो भी काफ़ी फेमस हो रखा है, तो इस एरिया में ही है आपको पूरा प्रॉपर, अगर आप दुर्गापुर से आते हो तो आपको हाईवे पे ही ये नज़र आ जाएगा, और अगर आप रानीगंज से आते हो तो भी आपको हाईवे पे ही ये नज़र आएगा, फ्रंट पे एकदम बेसिकली सब चीज़ अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक यू भैया, इतना अच्छा कैफ़े खोलने के लिए, और फूड का बताओ, प्रेजेंटेशन बताओ, सब 10 of 10 है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो इसी के साथ वीडियो पर एंड कर देगा, इस वीडियो का एंडिंग में आपको ड्रोन शॉट मिलेगा, तो मिस मत करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रिस्क लेके बनाए हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है आप लोग तो देख ही रहे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।
जैसे ये रानीगंज का रास्ता है, ये रानीगंज का यहाँ तक सीधा जाना है।